ब्रश करने जा रहा था लेकिन किसी को मदद की ज़रूरत पड़ गई। ये देखो किसी मदद की ज़रूरत पड़ गई, आओ पकड़ो इसे, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ लिया, पकड़ो 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 पकड़ो, ओके नाइस नाइस, ओके आराम से, अब नीचे गिर गया पर चलो ठीक है, बच्चा ज़िंदगी तो बचा दी ना इसकी। आज मूड थोड़ा डिफरेंट है, घर पर करने को नहीं है, पार्क में जाके करूँगा बढ़िया से। ऐसे तो मालूम है ना कि इंसान से दूर रहना है, लेकिन जब खाने का मामला हो तो इंसान से भिड़ भी सकते हैं ये। अभी तो कल्ला था तो उड़ गया, मे भी तीन चार होते तो एक हो जाता, तीन चार वहीं बैठे रहते। कल तो ऐसी तगड़ी फॉर्म के साथ किया ना वर्कआउट, अभी तक पता लग रहा है कि कल बहुत अच्छा किया था। मतलब पीठ में बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा है, थकान बर्निंग नहीं कर थकान महसूस हो रही है कि हाँ बहुत ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश की थी और किए उतने ही रेप्स हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ किया ना तो ज़्यादा बढ़िया हुआ है। आज भी क्वालिटी से ही करेंगे पर देखते हैं कि वैसे ही मेरे को करने देगा कि नहीं शरीर की नहीं। मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता ना, क्योंकि मसल्स तो कंपाउंड मूवमेंट है, तो वही मसल्स यूज़ होनी है जो कल हुई थी वही आज होंगी। बस ये है कि मूवमेंट चेंज हो गया तो थोड़ा अलग पर जोर पड़ेगा ही, लेकिन जिन पर कल जोर पड़ा था उन पर भी जोर पड़ेगा, तो देखते हैं क्या वो इफ़ेक्ट करेगा आज की नहीं। वैसे गोल तो यही है कंप्लीट करने का, पर देखते हैं क्या होता है। आ गए हैं हम ग्रीन हेवन में, है तो है ही भाई हेवन, ये मज़ा आ जाता सुबह इधर आके। पार्क में जाके भी मज़ा तो आता है, बस बोरियत हो जाती है ना, अरे एक ही जगह पर जाते रहो तो बोरियत हो जाती है। और ऐसा ही केस आज नहीं था, घर पे बस वैसे ही मेरा करने का मन नहीं किया। मैं कहा मौसम बढ़िया, चल बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन लेके आएंगे और बढ़िया से वहाँ करके भी आएंगे। बस मेरे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि क्या उस डिप बार पर सही से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो थोड़ा है तो अनइवन सही, और अनइवन अगर वो है ना तो मेरे शरीर पर भी इफ़ेक्ट करेगा वो। पर फिर भी उतना अनइवन भी नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी वाला केस है, तो काइंड ऑफ टॉलरेबल है काइंड ऑफ नहीं है, इसलिए करके देखूंगा आज बढ़िया फॉर्म से नहीं किया मैंने तो मैं करके देख रहा था कि क्या उसको भी हम कभी किसी और दिन के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, आज वो पता करने जा रहा हूँ। बाकी कंप्लीट तो करना ही है, पर मेन मकसद वही था कि पता कर लूँ कि इसको भी क्या हम कभी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। यहाँ पर याद होगा तुम्हारे को सुबह सुबह जब मैं पहले आया करता ना, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, अभी तो कोई कुत्ते नहीं है तो मेरे लिए अच्छी बात है, आ भी जाते तो क्या है, उनके साथ भी थोड़ा बहुत खेल लेते। तो ऐसा लग रहा ना ये वाला पार्ट कि भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर भगवान उतर रहे हैं, कहना तो नहीं चाह रहे पर लग रहा है भगवान वाली प्रेजेंस लग रही है, जैसे जिस हिसाब से लाइट आ रही है इधर, पत्तियाँ उसके बीच में से निकल के आ रही हैं, नहीं अच्छा बाहर अंदर ही हुई हैं, मुझे लगा बीच में से निकल के आ रही हैं, बहुत ही शक्तिशाली पत्तियाँ हैं, दिखने में तो बढ़िया है भाई यहाँ पर सब कुछ, लेकिन जो गर्मी पीठ पे लग रही है ना पता धूप के करके, मतलब बड़ी ही तेज़ धूप है, बारिश ऐसे आ रही है जैसे बीमार हो, मतलब थोड़ी देर आएगी और उसके बाद बहुत दिनों तक आएगी नहीं, थोड़ी देर क्या बहुत कुछ मिनटों के लिए, एक घंटे के लिए भी नहीं, कुछ मिनटों के लिए आ रही है उसके बाद फिर चली जा रही है बहुत दिनों के लिए, और फिर ऐसा गंदा सा मौसम कर दे रही है जिसमें कुछ करने को मन नहीं करता। खैर अभी तक के लिए तो मूड ठीक है, देखो मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कितनी तेज़ धूप है, आँखें भी नहीं खोल पा रहा मैं सही से। रीजंस टू रिजेक्ट दिस प्लेस का पहला रीज़न मिल गया, मच्छर इतने ज़्यादा पूछो मत भाई, एक तो पाके भी मैं निकर ही आया और निकर ही पाके आता हूँ, मैं लोअर नहीं पहनता हूँ इस मौसम में, तो पागल हो जाऊँगा मैं लोअर पहन के, तो इतना पसीना निकलेगा ना, और उसके बाद जब लोअर को ऐसे स्क्वीज़ करूँगा ना तो बाल्टी में भी पसीना कतीरों की तरह बह सकता है, वो वाला काम नहीं करता हूँ मैं, तो मच्छर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसीलिए कैंसिल अगली बार के लिए। ये देखो दिख रहा होगा, अबे यार आउट ऑफ फोकस क्यों हो गया अब, हाँ दिख गया होगा, इसका खून भी दिख रहा होगा, मेरा खून नहीं है इसका खून है, रिस्की है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं जा रहा हूँ घर, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, निक्कर में हूँ मैं, मार डालेंगे मेरे को इतनी देर में भाई, मैं नहीं आऊँगा अगली बार से, ठीक है मौसम बढ़िया है सब कुछ बढ़िया, मच्छर उससे भी ज़्यादा बढ़िया है भाई, बीमार कर देंगे ऐसे ही, एक तो पहले ही मैं बीमार हो जाता हूँ बड़ी जल्दी, और मौसम के आने जाने वाले फेज़ में भी पक्का बीमार होता ही होता हूँ मैं, तो बहुत बार बीमार हो गया, उसके बाद ये भी एक बार और बार हो जाएगी ना बीमार होने के, तो भाई मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और फिर पता नहीं कितने दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा मेरे को, ब्रेक नहीं ले रहा मैं, जा रहा हूँ घर, आऊँगा ही नहीं आज के बाद कभी यहाँ पे, लात पर तो इतनी जगह काट रही है ना, मैं बस खुजलाए जा रहा हूँ, मेरे पास देखने का भी
समय तो नहीं कहूँगा मैं, पर ट्रेस भी नहीं किया जा रहा मेरे से तो कहाँ कहाँ पे काट गए, मतलब इतने सारे काट गए इतनी सी देर में। अभी तो सिर्फ पैदल एक राउंड लिया था मैंने और उसके बाद दो चार डिप्स करके देखा था बार पे कि ठीक है कि नहीं बार, और बार ठीक है पर ये मच्छर नहीं जीने देंगे इसलिए मैं नहीं आऊँगा कभी। तो ये रहे ये रहे, पड़ोगे पीछे पड़ोगे पीछे नहीं पड़े पीछे, सरप्राइजिंग है। एक और पड़ा, ये पड़ सकता है पीछे, आई डोंट नो नहीं पड़ा। वाओ, पहले था एक ग्रुप हुआ करता था वो तो उनके सामने से रोज जाता था मैं, फिर भी मेरे पीछे पड़ जाते थे, पर ये वाला थोड़ा सुधरा हुआ ग्रुप है। आ गया हूँ मैं वापस से अपनी असली जगह पर, और सही बताऊँ इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब जो मज़ा आया है इस पर करने का उस पर नहीं आ रहा था। मुझे पता है वो अलग चीज़ है तो थोड़ा तो फ़र्क लगेगा ही, लेकिन ये ना एकदम परफेक्ट लग रहा है, मतलब इसमें कोई भी चांसेस नहीं है इंजरी होने के, एकदम करीब है जो कि होना भी चाहिए, वो थोड़ा सा फैला हुआ है वो वाला जो बार है वहाँ पे। अब बस ये देखो ऐसी रेंज ऑफ मोशन बन रही वहाँ पे जो इस पर बन रही है, जाया ही नहीं करना कैसे। ये देखो दिख रहा होगा तुम्हारे को जहाँ पर मच्छर ने काटा हुआ है, एक यहाँ पे काटा हुआ है, एक ये लात पे काट लिया है, एक यहाँ पे तो तुम्हारे को दिखाया ही था मैंने जब वहाँ पे मच्छर को मारा था मैंने, और पता नहीं कहाँ कहाँ काटा हुआ है। ये देखो एक ये भी काटा हुआ है इधर, और सही में बहुत जगह खुजली हुई है, पर करूँगा मैं कंप्लीट, एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं हमने, इस साल बेटर हो रहे हैं और अब दोबारा से करेंगे हम। मज़ा ही अलग है भाई इधर करने का, तो बैक पर फील आ रही है इधर लेवल पार्ट पे कि किया है कुछ डिप्स करते हुए, तो हो रहे हैं अभी तो तीन ही सेट हुए हैं, जब एंड वाले मुश्किल वाले होंगे तब दिखाऊंगा तुम्हारे को क्या हालत हो रही है। 16th सेट है भाई, हालत ख़राब हो गई है, किया तो जा रहा है अभी तक पर देखते हैं कितने आगे तक होगा। 16th वाला कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ मतलब, सोलह तक तो मैं खींच ही पा रहा था पहले भी, सवाल ये है कि क्या 18, 19, 20 होंगे, तो उस टाइम दिखाऊंगा तुम्हारे को कि हो रहे हैं कि नहीं। पसीने की बूंदें आती दिख रही है ना, इसीलिए दाढ़ी उड़ाई थी मैंने। लास्ट सेट भाई, बहुत बुरे तरीके से पहुंचा हूँ यहाँ तक मैं, मुश्किल से 3-3 रेप्स हो रहे हैं, फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म पर पूरा ध्यान है, इसलिए फॉर्म को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ 3-3 रेप्स हो रहे हैं सही तरीके से, बट इस बारे में देखते कितने होते हैं, कम ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट लेट्स गो लेट्स फाइंड आउट। 20th वी गो, फिर मैं ज़्यादा फर्स्ट बना रहा हूँ इस सिचुएशन का, उठा नहीं जा रहा, उठा तो जा रहा है पर सही में उठा उतना भी नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम तो बस थक गए हैं। 5, 6, अरे भाई तो इतना भी नहीं हो रहा तक ही कर पाया। सात आठ
चेक तीन तीन हो रहे हैं लेकिन स्क्वीज पूरा हो रहा है, मतलब पता लग रहा है कि जोर लगा रहा हूँ। कभी कभी मुश्किल से उठा था, नहीं तो ब्रूट फोर्स लगा के कर रहा हूँ तब तो ऐसे ही हो जाए। पहले बतेरे की है ऐसे, नौ हो गए ना, हाँ नौ हो गए। दस, ग्यारह, फॉर्म तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी है किसी भी सूरत में। बाकी जितना उठा गया सही तरीके से उतना उठा हूँ, बेटर हो जाएंगे। और वैसे भी आज पहला दिन था, तो मैं बताया ना मेरे पहले दिन का क्या सिस्टम रहता है, पहला दिन ऐसा सही जाता है मेरा। बट फिर भी मेरे को उम्मीद नहीं थी 20 तक हो जाएंगे, कर दिए मैंने 20 तक, तीन तीन चार चार करके कंप्लीट किया, पर किया एकदम करेक्ट फॉर्म के साथ।